भी मंत्र पढ़ने वाले मौलवी हों, आप देखेंगे वो तौहीद के ऊपर बोलते हैं, आप देखेंगे वो सीरत के ऊपर बोलते हैं, चोरी के ऊपर कभी मंत्र फिट करके दिखाए। कुरान में तो लिखा हुआ है कि मैं अगर मर जाऊं, मेरे पास 20 बीघा जमीन है, मेरे 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, तो इस्लाम यह सिखा रहा है कि 20 बीघा जमीन, 4 बेटे और 2 बेटियों के दरमियान किस तरीके से तकसीम होगा। कुरान खोल करके देख लीजिए, कुरान के अंदर आपको मिल जाएगी ये सारी। लेकिन दूसरे धर्म के अंदर देखिए, हिंदू धर्म के अंदर आप देखिए मिलेगा नहीं, आप दिखाई नहीं सकते हैं, इसलिए वो कंप्लीट मजहब नहीं है, मुकम्मल दीन नहीं है। इस्लाम ही एक ऐसा दीन है जिसके अंदर सारी चीजें मौजूद हैं। एक इंसान मां की पेट से बाहर निकलने के बाद कब्र के गड्ढे तक, कब्र के गड्ढे में जाने तक उनकी जिंदगी में जितने भी मसाइल आएंगे, सारे मसलों का हल वहां मौजूद है। ईसाइयत में आप देखें, डॉक्टर जाकिर नाइक ज्यादातर इस लाइन को पढ़ते हैं, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। देखिए तमीज है उसमें, ईसाइयत में तमीज है, देयर इज नो गॉड, कोई इलाह नहीं, कोई गॉड नहीं, कोई माबूद नहीं। बिल्कुल उसी तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह मिला करके देखिए, पहले इनकार उसके बाद इकरार, देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं, कोई इलाह नहीं, कोई महबूद नहीं। बिल्कुल हमारे इस्लाम की तरह मिलते जुलते ला इलाह, कोई महबूद नहीं, कोई इलाह नहीं, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। तो उसमें भी आप देखेंगे बट गॉड इज ओनली वन। देखिए वहां भी तौहीद है, यहां भी तौहीद है, इसके बावजूद ईसाइयत दीने तौहीद नहीं है, क्योंकि उसके अंदर शिर्क भी मौजूद है। हालांकि बाद में आने वाले लोगों ने उसमें शिर्क घुसे, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम कह रहे हैं आई विल प्रे द फादर, ये बाद में आने वाले लोगों ने घुसेड़ दिया है। तो देखिए उसमें आपको शिर्क की भू भी आए, वो कंप्लीट दीने तो भी नहीं। बाइबल के अंदर 2 पार्ट है, एक है न्यू टेस्टामेंट, एक है ओल्ड टेस्टामेंट। अब आइए ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर आप देखेंगे दीने तौहीद किस तरीके से है। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम, ये मत पूछिएगा मौलाना किस हदीस से ये वाकया सुना रहे, हजरत मूसा ने कहा ऐ मेरे परवरदिगार ये बताइए क्या इस रूए जमीन में मुझसे ज्यादा कोई तेरा नाम लेने वाला है, तेरी इबादत करने वाला है। अल्लाह ने कहा हां ये ओल्ड टेस्टामेंट लेसन 13 के अंदर आपको मिलेगा। अल्लाह ने कहा ऐ मूसा फला जंगल के अंदर चलेगा, वहां एक मेरा बुजुर्ग बंदा है, जब से उसने खौफ संभाला है तब से वो मेरी इबादत कर रहा है, फला जंगल में चलेगा। मूसा चले गए, देखा एक बुजुर्ग सजदे में गिरा हुआ है, जब उसने इबादत कंप्लीट कर ली वो, उसके बाद सामने देखा कि कोई खड़ा है, कहने लगा बेटा तुम कहां से आए हो, कौन हो तुम। कहा आए बुजुर्ग पहले आप बताएं कि आप यहां क्या कर रहे हैं। कहा मैं जब से होश संभाला हूं मैं अपने परवरदिगार की इबादत यहां पे कर रहा हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम से मुलाकात कराएगा। हजरत मूसा ने कहा कि हां मैं ही मूसा हूं।
बताइए आपकी कोई खिदमत करूं मैं, क्या खिदमत करूं मैं आपकी। कहा के बेटा यहाँ रोज मुझे कोई खाना दे देता है, पानी दे देता है, मैं खा लेता हूँ, भूख मिटा लेता हूँ, प्यास मेरी बुझ जाती है, लेकिन बेटा दो दिन से कोई खाना नहीं लाया है। बेटा बेटा पानी भी नहीं है, मैं बगैर खाए पिए और कई दिन जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन बेटा प्यास की शिद्दत में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जाओ पानी लेकर के आओ, पानी लेकर के आओ। हजरत मूसा पानी लेने के लिए चले गए, जंगल में इधर उधर देखा लेकिन कहीं पानी नजर नहीं आया। आबादी में चले गए, जंगल से बाहर आबादी में चले गए, जाने के बाद वहां से पानी लेकर के आए। अब देखिए ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर मेरे भाइयों, 100 कदम का फासला था, इतने दूर पर हजरत मूसा थे कि उसको बुजुर्ग बूढ़ा वो कह रहा है, मूसा जल्दी पानी लेकर के आ, आए मूसा जल्दी पानी लेकर के आ, आ मेरी जान निकल रही है, जल्दी पानी लेकर के आ। हजरत मूसा तेज तेज कदम आगे बढ़ाने लगे, जैसे ही उस बुजुर्ग के पास पहुंचे, क्या देखा हजरत मूसा ने कि इस बुजुर्ग की रूह निकल चुकी है, मर गया। हजरत मूसा की डायरेक्ट अल्लाह से बात होती थी, ये कलीमुल्ला थे, अल्लाह से कलाम करते थे, कहने लगे कि अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ है कि जब से इसने होश संभाला है तब से ये तेरी इबादत कर रहा है, लेकिन ऐ अल्लाह आज तूने मैं पानी लेकर के यहाँ पहुंचा, 2 घोट पानी पीने की भी मोहलत नहीं दी अल्लाह तुमने, और इसको मौत के घाट तुमने उतार दिया। अल्लाह ने कहा मूसा अपनी जबान को लगाम दे अपनी जबान को। क्यों? कहा तू करीमुल्ला है, जबान दे अपनी लगाम को, ये अपनी जबान को लगाम दे। सुन जब से इसने होश संभाला है तब से इस जंगल के अंदर वो मेरी इबादत कर रहा है, उस वक्त से लेकर के आज तक मैं रोजाना उसको खाना खिलाता हूँ, रोजाना उसको पानी पिलाता हूँ, रोज वो मुझसे मांगता है, मैं उसको रोजाना देता हूँ, लेकिन ऐ मूसा बोल, जब वो मेरी इबादत कर रहा था, जब खाना मैं उसको दे रहा था, पानी मैं उसको दे रहा था, तो आज भी पानी तुझसे मांगना चाहिए या मुझसे? हाँ, तुझसे मांगना चाहिए या मुझसे? मूसा ने कहा अल्लाह तुझसे, कहा उसने मुझसे नहीं तुझसे मांगा है, इसीलिए मैंने उसको मौत के घाट उतारा।